नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की तरफ। सबसे पहले बड़ी खबर आप सभी को बताते हैं, जहां जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। घर के बाहर अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एलजीसी ने दौरा ना करने से इनकार किया था, यानी एलजीसी ने परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद अखिलेश को जेपी एनआईसी जाने से रोका गया, माल्यार्पण करने से रोका गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने घर के ही बाहर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जननायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है, जेपी की जयंती हर साल मनाएंगे, ये लोग जेपी एनआईसी को बेचना चाहते हैं, बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि विनाशकारी सरकार, ये लोग विनाशकारी है, हर अच्छी चीज का ये लोग विनाश करते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की ये तस्वीरें, किस तरह से हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस दौरान अखिलेश यादव को जब रोका गया तो उन्होंने अपने घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला किया, उन्होंने कहा कि ये लोग हर अच्छा काम रोकते हैं। देखिए रिया जी, समाजवादी पार्टी में अभी भी काफी गहमा गर्मी चल रही है। पिछले 24 घंटे से सियासी पारा जो है उत्तर प्रदेश का चढ़ा हुआ है। अभी सपा कार्यालय से निकले हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बहादुर यादव जी, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि आपके संसद है भाई, मोहनलालगंज के सांसद हैं आर के चौधरी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में, आखिर जो सरकार की तरफ से जेपी एनआईसी में जाने से रोका गया है अखिलेश यादव को, उसको लेकर के क्या पूछते हैं। दलित चिंतक हैं और दलितों के बहुत बड़े नेता हैं आर के चौधरी साहब, मोहनलालगंज के सांसद हैं, इन्होंने भाजपा को हरा करके वहां पर साइकिल दौड़ाई है। आइए हम सीधे ले चलते हैं आर के चौधरी के पास। आज देश के गौरव जेपी जी का खाली भारत में लोग बाहर भी अगर नाम है तो मानते हैं कि आधारा के आधार पर ऐसा बना जाता वन और वन जो सरकार की समाजवादी पार्टी तब एक सेंटर बनाया गया था जेपी सेंटर, काफी काम हो चुका है, मुख्य बाउंड कॉन्विजन के नाम से भी काम रह गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की तस्वीरें, जब हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर पहुंचे थे। अखिलेश यादव के आवास के बाहर ही अखिलेश यादव ने जननायक जेपी की जयंती पर उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती का आज मौका, इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हालांकि वो जेपी एनआईसी जाकर ये कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलजीए ने उनके जाने पर और कार्यक्रम वहां जाकर करने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला पूरा अखिलेश यादव के घर के बाहर तैनात था, घेराबंदी कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगाई थी, और अखिलेश यादव के घर से जेपी एनआईसी जाने का जो रास्ता है, जो रूट है, उस पूरे रास्ते को सील कर रखा था। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। वहीं अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही जननायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें उनकी जयंती पर याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ जमकर बीजेपी की योगी सरकार पर भी अखिलेश यादव बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर अच्छा काम रोकना चाहती है, विनाशकारी सरकार है और ये लोग विनाशकारी हैं। जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेएनपीआईसी जाने वाले थे, लेकिन उनके वहां जाने पर रोक लगा दी है गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जहां यह हवाला दिया है कि यह बिल्डिंग निर्माणाधीन है, यहां पर जीव जंतु
हो सकते हैं, अखिलेश यादव को खतरा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस का कड़ा पहरा है और अखिलेश यादव के घर के सामने ही यह बैरिकेडिंग लगाई गई है। अब कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और JNPC जयनारायण प्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जाना था। सपा कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं इस रवैये को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है, क्या कार्यक्रम है? आज हम बनारस से समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव, आज माननीय जी का कार्यक्रम था जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए। और योगी का मंशा ठीक नहीं है, माननीय जी को घर में ही नजरबंद करने का काम कर रही है, इसलिए ये बैरिकेडिंग जो रुका गया है ये हम लोगों को, हम समाजवादियों को रोक नहीं पाएगी। और माननीय जी बैरिकेडिंग तोड़कर ही जाएंगे माल्यार्पण करने, माननीय जयप्रकाश नारायण जी को, स्वतंत्रता सेनानी महानायक को। क्या यही योगी जी की पुलिस है, रोक रही है? क्या लोकतंत्र में सही है रोकना किसी व्यक्ति के ऊपर माल्यार्पण करने से? और भी लोग हैं जिसे जाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से वहां जाना ठीक नहीं है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, क्योंकि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, वहां जीव जंतु भी हो सकते हैं, खतरा भी हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी जो है पूरी तरह से बौखला चुके हैं। तानाशाह का जो अंग्रेज होते थे ना, वो अंग्रेज ऐसे ही होते थे, ऐसे जो अंग्रेजी हुकूमत है वो लागू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी वहां जाते, माला पहनाते, चले आते, कुछ ना होता, मगर ये तानाशाह सरकार, मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि 10 तारीख के बाद हमारी नौकरी जाने वाली है, वो एकदम से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, उनकी जगह पे दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और उन्हें यह भरोसा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जरूर जाएंगे, हालांकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वह जयप्रकाश नारायण के जयंती अवसर पर JNPIC ना पहुंच पाए इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा को देखते हुए। अब देखना यह होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से कार्यक्रम को लेकर बेहद आक्रामक हैं, वह रात में भी पहुंचे थे और आज सुबह उनका 10 बजे के बाद का कार्यक्रम है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं, यह अभी संशय बरकरार है, लेकिन एक तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अखिलेश ने जमकर योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, जिस तरह से JP की जयंती के मौके पर उनका JPNIC जाकर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था, हालांकि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA से वहां पर परमिशन ना देने के बाद अखिलेश यादव ने अपना कार्यक्रम रद्द किया और उसके बाद अपने घर के बाहर ही, अपने आवास के बाहर ही तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की मौजूदगी में जन नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया और उनके इस जयंती के मौके पर उन्हें याद किया। इस दौरान जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने JP की बातें लोगों को याद दिलाई, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जमकर BJP सरकार पर बरसते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार विनाशकारी है, ये अच्छा हर अच्छा काम ये लोग बिगाड़ देते हैं, हर अच्छी चीज का विनाश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को NDA से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो आज JP की जयंती के मौके पर जमकर यूपी में सियासी पारा, सियासी तपिश हाई रही। अखिलेश यादव ने बीते दिन ऐलान किया था कि वो JPNIC जाकर माल्यार्पण करेंगे, कार्यक्रम तय था, हालांकि परमिशन ना मिलने के बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सफाई दी थी कि वहां पर सुरक्षा को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा रही है अखिलेश यादव को कार्यक्रम की, जिसके बाद अखिलेश यादव
ने आज अपने आवास के बाहर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हालांकि पिछले साल भी उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, जिसके बाद दीवार फांद कर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंचे थे और वहां उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। वहीं दूसरी तरफ आज उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया। जिस तरह से चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए थे, जेपी एनआईसी में दीवार के ऊपर टिन शेड लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के घर के बाहर पूरी तरह से पुलिस ने घेराबंदी की थी, कई तरह के बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे, चाक चौबंद इंतजाम थे, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। सबके बावजूद हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल था। अखिलेश यादव के घर से लेकर जेपी एनआईसी तक जाने वाले जितने भी रूट थे सबको सील किया हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही जननायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वही अब बात जयपुर की कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस परीक्षा रद्द होगी या नहीं। 13 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। एसआई भर्ती मामले को लेकर ईमानदार अभ्यर्थियों को आखिर न्याय कब मिलेगा। एसआई भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि अब इस मामले को लेकर आखिर फैसला कब लिया जाएगा, इसका सभी ईमानदार अभ्यर्थियों को इंतजार है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द और नहीं करने पर मंत्रियों की कमेटी ने समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। कमेटी सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे रद्द करने या नहीं करने पर फैसला करेगी। भर्ती प्रकरणों की मंत्रियों की कमेटी की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। अब इसे निरस्त करने या निरस्त नहीं करने को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार निर्णय कर लेगी। माना जा रहा है कि 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में या सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित विदेश दौरे से पहले इस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों अनेक लोगों ने कहा गर्मियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा साहब हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही। ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लोगों ने अपना दिया, अलग अलग दिए। सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे, बाकी उसी स्थान पर उसी अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका नहीं निर्णय। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से राजस्थान में पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर धांधली के आरोप लग रहे थे, अब लंबे समय से जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं, आखिर फैसला कब, आखिर परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर कब फैसला संभव। देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि भर्ती जैसे ही मामलों में हमने देखा कि पहले एक दिन फिर इसके बाद जिन थोड़ा अभ्यर्थियों के बारे में पता चला कि ये इन्होंने फर्जी तरीके से एग्जाम देकर परीक्षा पास की है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा गांव इस पर शामिल होता है। लेकिन अब जब हमने देखा कि 800 कंफ्यूजन से लगभग 500 से ज्यादा लोग इस पर फर्जी पाए गए हैं, तो अब सरकार ने जब कल मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा बैठक ली, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार इस साल में 1 लाख भर्तियां देने वाली है, और जब सरकार ने तय किया था कि 5 साल के अंदर 4 लाख भर्तियां भजनलाल सरकार देने वाली है, तो उन भर्तियों की जिस तरीके से रूपरेखा तैयार हो उसे लेकर अब ऐसा ही भर्ती प्रकरणों को लेकर या तो रद्द करना है या नहीं करना है, इसे लेकर 13 तारीख को यह फैसला किया जाएगा कमेटी की ओर से। फैसला सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसा ही भर्ती पूरा मामला है दो धड़े खासतौर पर नजर आए हैं, जहां पर एक पक्ष चाहता है कि पूरी प्रकरण की परीक्षाएं रद्द हो ताकि युवाओं को एक बार अवसर मिले और युवा एक बार फिर से एसआई भर्ती मामले को लेकर ईमानदारी से जो मुख्यमंत्री की ओर से पहल की गई है कि अब जो प्रकरण है जितने भी परीक्षाएं होगी उनकी अच्छे तरीके से देखरेख के साथ वो परीक्षा आयोजित होगी,
तो एक धड़ा ये मान रहा है कि परीक्षाएं रद्द होकर एक बार फिर से कराई जाए। दूसरा धड़ा जो ईमानदार अपने आप को कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जो दोषी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सजा भुगतने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द होती है तो जिन्होंने मेहनत करके, क्योंकि ये एसआई भर्ती मामला सिर्फ एक साल का नहीं है, पिछले तीन सालों से सरकार इस परीक्षाओं को लंबित करके तीन साल के अंदर आयोजित करी है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं छात्र, तो उनमें खासतौर पर क्योंकि मेहनत बेकार है, और सरकार कुछ ऐसा फैसला करे जिससे जो दोषी है सिर्फ वो उसकी सजा भुगते, बाकी जो जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को दिया है, मेहनत करके इस परीक्षा को अचीव किया है, वो उनके साथ कम से कम गलत जो फैसला सरकार का है वो उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल कुलदीप, यही वजह है कि जो ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनमें काफी ज्यादा निराशा है परीक्षा को लेकर। और जिस तरह से कुलदीप आपने भी अभी बताया कि जो मंत्रियों की कमेटी है उसने अपना समीक्षा का काम पूरा कर लिया, हालांकि अब कब इस पर निर्णय होता है, कब रिपोर्ट सौंपी जाती है, वो देखना अहम होगा। कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही अब बात लखीमपुर की कर लेते हैं। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें बड़ी संख्या में कई बिरादरी के लोग इकट्ठा हो गए हैं। पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले विधायक योगेश को इन लोगों ने अपना समर्थन दिया है, विरोध प्रदर्शन कर अवधेश सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता देते हैं, जहां बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की जमकर पिटाई हो गई थी। बड़ी संख्या में अब इस मामले को देखते हुए बड़ी संख्या में कई बिरादरी के लोग विधायक योगेश के समर्थन में उतर आए हैं। पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले विधायक योगेश को इन लोगों ने अपना समर्थन दिया है, विरोध प्रदर्शन कर जो आरोपी है इस मामले में अवधेश सिंह उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो लखीमपुर खीरी से पूरा मामला, जिसमें बैंक के चुनाव को लेकर विधायक योगेश वर्मा की जमकर पिटाई कर दी थी। बड़ी संख्या में अब इस मामले को लेकर लोग जो है कई बिरादरी के लोगों में गुस्सा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राम जी का। राम जी, जिस तरह से विधायक योगेश वर्मा की पिटाई से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें बैंक के चुनाव का उन्होंने विरोध किया था, उसमें धांधली की बात कही थी, अब विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, लोगों का क्या कुछ कहना और क्या कुछ लोगों की मांग? बिल्कुल, ये आपको बता दें, जिस तरीके से हजारों की तादाद में पटेल सेवा संस्थान के बैनर के तले एक प्रदर्शन जोरदार हुआ था, अभी हम जो हमारी लोकेशन है वो कचेरी में है, कलेक्ट्रेट के पास की है, अभी कुछ भीड़ कम हुई है, आज भी पुलिस का बड़ा बंदोबस्त देखा गया। बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आक्रोशित जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी पुलिस के खिलाफ, मुर्दाबाद के नारे लगे थे, एटीएम सिटी हटाओ, कोतवाल हटाओ, इनकी बात यही नारेबाजी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जोरदार संगठन जो प्रदर्शन हुआ है, सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट परिसर में थे। उनकी मांग थी कि जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी हुआ है और आके आके हमारे ज्ञापन लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब मौके पर बड़ा पुलिस का बंदोबस्त के साथ पहुंचे, ज्ञापन भी लिया, उनकी तरफ से पत्रकारों को भी बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है, संबंधित कई तीन तहरीरें आई हैं, तीन दो इधर से आई है, एक उधर से आई है, उसकी भी एक जांच हो रही, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। रिया जी, बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, थप्पड़ों से विधायक पर थप्पड़ों से वार किया गया था, और बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अवधेश सिंह वो थप्पड़ मारते हुए नजर भी आ रहे हैं, वीडियो वायरल भी हुआ, क्या एफआईआर अब तक इस मामले में दर्ज हुई है राम जी? देखिए, तहरीरें आ गई हैं, पुलिस अधीक्षक साहब का खुद निर्देश अभी आया था, गणेश शाह जी ने खुद बोला है मीडिया के सामने कि जांच की जा रही है, तो कहीं ना कहीं भी आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी में गुटबाजी भी कहीं ना कहीं देखी गई, जिस तरीके से भी चुनाव था, चुनाव में जो मारपीट हुई है, मारपीट भी कई एंगल से, उनका भी कहना है कि कई वीडियो जो उनके पास आई है उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह है, लेकिन जिस तरीके से आज आक्रोशित लोग आए थे, हजारों की तादाद में जो पटेल सेवा संस्थान के जो बिरादरी के लोग थे, बाकायदा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की गई है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी देखा गया कि कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। बिल्कुल, यानी विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में अब लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, हालांकि उसका कितना फायदा यहाँ पर होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है इस मामले में, और जो आरोपी है उसके खिलाफ किस तरह से एक्शन होता है, वो देखना अहम होगा। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। तो वहीं सपा पर परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। वहीं सपा ने मझवा से पूर्व विधायक और बदोही से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने उपचुनाव में मझवा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके साथ ही इंडिया वॉइस संवाददाता कमलेश कुमार ने सपा की प्रत्याशी ज्योति बिंद से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार इंडिया वॉइस से मिर्जापुर जिले से। बता दें कि लोकसभा का चुनाव अभी कुछ महीने पहले बीते हुए हैं। वहीं बता दें कि जहां लोकसभा चुनाव मिर्जापुर में अब पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुका है, वहीं बता दें कि आपका उपचुनाव बेहद नजदीक हम लोग के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में इसका चुनाव हो चुका है। वहीं मिर्जापुर के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के प्रत्याशी के रूप में जो है कि ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। अभी हमारे सामने ज्योति बिंद इसमें मौके पर मौजूद हैं। क्या किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से वोट होने वाली है, इनकी तरफ से क्या क्या मुद्दे हैं, सीधे बात करते हैं। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति बिंद है, मेरा जन्म इटवा में हुआ है। मैं स्कूलिंग के लिए, मेरा स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर लखनऊ में हुआ है और मैं हायर स्टडीज मुंबई में की हूँ। हायर स्टडीज के बाद मैं एक डॉक्टर के रूप में अपने जनता के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। मैं हमेशा से ही लोग बड़ी संख्या में लोगों के लिए काम करना चाहती थी, इसीलिए पहले मैं डॉक्टर बनी। बट मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कुछ ही लिमिटेड लोगों तक ही सीमित हूँ और मैं चाहती थी कि मैं बड़ी संख्या में लोगों की मदद करूँ, पॉलिसीज में हेल्प करूँ, एक उनका पार्ट बनूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, बुजुर्गों, आदमियों और बच्चों को उस चीज का बेनिफिट हो उनको। अखिलेश यादव जी, आपको बहुत उम्मीद के साथ जो है कि आपको प्रत्याशी बनाया है, उनके जो है कि उम्मीद पर कितनी खरे उतरेंगे? मैं वो हर काम करूंगी जिससे मझवा की सरकार और मझवा के लोगों के हित में मैं काम करूं, ठीक है। और मैं वो हर काम करूंगी जिससे यह चुनाव हम जीतेंगे, उसके साथ ही हम लोगों को जीतेंगे। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे और इसमें जो चुनाव के मैदान में उतरी हैं क्या मुद्दे पर हैं? देखिए मुद्दे तो यही है कि यहाँ पे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, ये मेजर इश्यूज हैं। उसके साथ ही साथ जो माइनर्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हमारी जीवन शैली है ना उतनी अच्छी नहीं है, मैं उसको भी सही करने की कोशिश करूंगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार, जिसकी समाजवादी पार्टी सरकार में भी आप आई हैं जी, तो और भी लोग पार्टियां के लोग हैं जो कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, इस बात का जवाब आप याद रहे कि चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनके शीर्ष नेताओं से लेकर लोकल नेताओं तक देखिए परिवारवाद से भरा होता है। वो केवल कहते कुछ और है, कहते कुछ और है। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन लोग शानदार झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाले क्या है कि 75 साल के बाद हमारे यहाँ रिटायर कर देते हैं, क्या प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, उन पर नहीं लागू हो रहा है क्या? इनको अपना पद छोड़ के हट जाना चाहिए। अपने जो लिखे पढ़ के जो घोषणा पत्र में है, जो उनके मैनिफेस्टो में है, जो उनके संविधान में है, तो क्यों नहीं छोड़ के हट जाते सर? अमित शाह का लड़का देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी का लड़का देख लीजिए, हमारे मिर्जापुर ओम प्रकाश सिंह का लड़का देख लीजिए, ऐसा कौन व्यक्ति है? मैम आपसे एक लास्ट सवाल, आप एक से लास्ट सवाल, आप एक डायरेक्शन में मत देखिए है ना, थोड़ा सा सर घुमाइए है ना, चारों तरफ देखिए, फिर ये बात पूछिए। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।